मंदसौर शहर में लगातार कौओं की मौत हो रही है और कोर्ट परिसर में 180 से अधिक कौओं की मौत हो चुकी है और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मैंने संबंधित पशु विभाग और फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना के माध्यम से उन्हें बताया है और वे भी लोग आए थे और उन्होंने भी सैंपल लेके गए हैं और सैंपल लेके लेबोरेटरी पहुँचाया गया कि वहाँ उनकी जाँच हो और लगातार मेरी टीम के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। लगातार मंदसौर शहर में 50 किलोमीटर के दायरे में कौवे कहीं पे भी नहीं है। ये कौवे कोर्ट परिसर में ही अपना दाना पानी करते हैं और यहीं विश्राम करते हैं। लगातार ऐसी घटना हो रही है, कहीं ना कहीं हमें भी मन में संकोच था कि ये ठंड के कारण मर रहे होंगे या भूख के कारण मर रहे होंगे, पर लगातार अब पता चलने में आया है कि झालावाड़ वगैरह इधर राजस्थान में कौओं की मौत का कारण ये बर्ड फ्लू करके एक बीमारी है जो फैल रही है इनमें, तो उस कारण से इनकी मृत्यु हो रही है। इसमें मैं खुद भी कोर्ट परिसर में गया हूँ और वहाँ से जो मृत कौवे थे उनको हमने कलेक्ट करके भोपाल में हाई सिक्योरिटी लैब के लिए स्टेट DI लैब में प्रेषित अभी कर दिया है और रिपोर्ट आने के बाद में ही अपन कंफर्म बता सकते हैं कि एक्चुअल किस बीमारी से इनकी मौत हुई है। और इस संबंध में हमने फॉरेस्ट वालों को भी सूचित कर दिया है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ से संबंधित है कौओं का मामला और इसमें हम लोग पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं कि आसपास के जो भी यदि पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर भी हमारी सर्चिंग इसमें चल रही है कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आ रही है इस संबंध में।